हेलो गाइस, राम राम सभी भाइयों को, जय श्री श्याम बाबा की जय। तो भाइयों, आज फिर मैं निकल गया हूँ अपने हाथ को दिखाने के लिए। फरीदाबाद ये अणखीर गोल चक्कर के पास जाना है, मुझे मेरे एक भाई मिलेंगे वहाँ पे, लीलू पहलवान जी। तो गाइस, काफ़ी टाइम से ये हाथ जो है ना ठीक नहीं हो पा रहा है। आज देखते हैं, कोई वैद्य है वहाँ पे, वो कह रहे हैं कि दो पट्टियों में ठीक कर देते हैं। तो भाइयों, आज सुबह सुबह संडे है, मैं घर से निकल गया हूँ, अभी जाता हूँ, रास्ते में कुछ नाश्ता भी लूँगा, वो भी दिखाऊंगा आपको। तो गाइस, हाथ की तरफ से बहुत परेशान है, आज हम जा रहे हैं, मैं अकेला ही हूँ, देखो कोई भी नहीं चला सुबह सुबह साथ में। भाइयों, जिसको दर्द है वो ही जाएगा, और तो सब सो रहे हैं, संडे है आज। कोई स्पेशल वैद्य है वहाँ पे, बहुत मशहूर, अणखीर गोल चक्कर, ये मेवला महाराजपुर के पास। तो एक भाई हैं उधर ही रहते हैं, वो लीलू नाम पहलवान है उनका, लीलू पहलवान। तो आज उनसे अपनी मुलाकात है, 10:15 बजे का टाइमिंग है, तो मैं निकल चुका हूँ, तो पहुँच ही जाऊँगा आराम से आधे पौन घंटे में। तो भाई, वो कल भी नहीं जा पाए थे कहीं, कल भी प्रोग्राम रह गया, शनिदेव जाना था, शनिदेव भी नहीं जा पाए। जय बाबा नीम करौली की जय। ये नीम करौली बाबा का मंदिर है लेफ्ट में। तो मैं कहीं भी निकलता हूँ दोस्तों, बाबा के हाथ जोड़ के निकलता हूँ, खाटू श्याम जी के भी अपने घर में और मंदिर में। सुबह सुबह जब निकलते हैं तो भगवान का नाम लेके निकलना चाहिए, तो दिन अच्छा जाता है। तो चलते हैं दोस्तों, फिर मिलते हैं, आगे दिखाते हैं आपको, वैद्य का भी दिखाएंगे और वहाँ का भी दिखाएंगे। तो भाइयों, मैं पहुंच गया हूँ, ये डेरे मोड़ पे है राजू गुजर टी स्टॉल। यहाँ के चाय और ब्रेड पकौड़े बहुत मशहूर हैं, और यहाँ अपना वही देसी लोग है, मूढ़े पे बैठो अपना आराम से। तो यहाँ पे सुबह सुबह नाश्ता करने में बहुत मज़ा आता है। एक चाय एक ब्रेड मैंने ले लिया है, थोड़ी देर में आएगा टेबल पर। ये दुकान है, कभी भी आप आओ डेरा मोड़ पर, ये छोटी सी दुकान है, पर माल बहुत अच्छा बनाते हैं, पूरे दिन बिकता है। इनके चाय और ब्रेड इतने फेमस हैं बहुत ज़्यादा। तो अभी भाई को मैंने बोल दिया है, एक चाय एक ब्रेड वो लगा रहे हैं, ये हल्का नाश्ता है अपना सुबह सुबह लेके, फिर चलते हैं आगे, फिर लंच में ही पता नहीं कहाँ करेंगे नहीं करेंगे, जैसे भी है। तो ये डेरे मोड़ पे है छोटी सी दुकान, ये खड़ी मेरी गाड़ी, ये यहाँ पर आराम से मूढ़े पर बैठेंगे। तो भाइयों, ये अपना नाश्ता आ गया है, चाय ब्रेड पकौड़ा, हरी चटनी लाल चटनी। इनका ब्रेड इतना फेमस है और चाय इतनी फेमस है बहुत ज़्यादा, कुल्लड़ में देते हैं ये। इसमें देखो, ये चाय मज़ा आता है सुबह सुबह पीने में ना, एक ब्रेड एक चाय में ऐसा नाश्ता हो जाता है, बहुत बढ़िया। देखो चाय भी कितनी, अदरक इलायची डाल के कितनी अच्छी बनाई हुई है। भाइयों, आगे निकलना था जैसे फरीदाबाद की तरफ, तो सोचा कि भाई सुबह सुबह घर में भी नाश्ता लेट तक मिलेगा, तो यहीं से ही करते हुए चले। तो एक चाय की प्याली, एक ब्रेड पकौड़ा अपना आराम से ले लेते हैं, 1-2 बजे तक की छुट्टी। ये देते बहुत टेस्टी है, फेमस है ये। कभी भी आप आओ कोई भी भाई डेरे मोड की तरफ, तो ये राजू गुजर टी स्टॉल है, बहुत बढ़िया, एंजॉय करोगे आप यहाँ पर, मज़े से खा के जाना, फिर मुझे बताना। ओके दोस्तों, मैं कर लूँ अपना ब्रेकफास्ट। तो भाइयों, अपना नाश्ता हो गया है, अब निकलते हैं। फरीदाबाद के लिए बहुत लेट हो गए, 10:30 बजे का टाइम था, यहाँ इतना टाइम हो गया। चलो कोई नहीं अब तो हाईवे मिलेगा, खाली मिलेगा, चलो। तो भाई, मज़ा आ गया ब्रेड खा के और चाय पी के, चाय में अदरक वदरक सुबह सुबह सारा गिरा हुआ था सब कुछ, कड़क चाय की प्याली हो ना सुबह सुबह तो मज़ा ही अलग है उसका। चलो गाइस, अब चलते हैं पहलवान जी के पास, जो लगाएगा हाथ को ठीक करेगा वो भी पहलवान है, और जिस आदमी से मिलना है वो भी लीलू पहलवान है।
आज दो दो पहलवानों से मिलते हैं, देखते हैं क्या होता है। अरे वाह, काली वर्नर क्या नंबर 6777। इस 6777 का बहुत क्रेज चल रहा है जी। चलो गाइस, मैं अब ड्राइव कर रहा हूँ तो मिलता हूँ आगे आपको। इस पहुँच गए हैं, ये हैं लीलू भाई। लीलू भाई, वो पहलवान जी कहाँ है जहाँ हाथ कराना है? भाई ये कुशक गांव में है और फ्रीजन शोल्डर की इन भाई को सोनू को शिकायत है और इनको ऐसा फिट कर देंगे 2-3 दिन के अंदर और कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, गारंटी का इलाज कर देंगे। बढ़िया कर देंगे, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो, तो और भाई आना चाहे तो आ सकता है यार। हाँ, आप दिखाओ उनको, पहलवान जी को ना। अभी 5-10 मिनट, अभी अभी, हाँ अभी पहुँचते हैं। ठीक है, अभी दिखाते हैं। ये देखो भाई, सोनू भाई की पट्टी करवा दी है और 2-3 दिन इसकी पट्टी होगी और एकदम फिट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। बढ़िया एकदम है। हाँ, पहलवान जी ने पट्टी कर दी है और जरूरत पड़ी तो 2 बार और बना सकते हैं। आज फर्स्ट पट्टी हुई है, ये हो जाएगा ना भाई? हो जाएगा, गारंटी से हो जाएगा। रोजन शोल्डर का यहाँ इलाज कराते हैं और अगर नहीं होगा तो हमने शर्त रखी है 51,000 रुपए का इनाम देंगे हम। चलो, आप दोबारा बुध को बोल रहे हैं? हाँ जी, बुध को। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है।